हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए, ओ और सहा जाए बोल कहा जाए। एक बार इजाजत दे दो कथा सुनाने की, दोनों हाथ उठाकर प्रेमियों जरा ताली बजाकर प्रेम से। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है। क्या बात है, कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बरबरी, 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 लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। दोनों हाथ उठा के मौरवी भैया के लिए, जय हो, जय हो, जय हो जी, जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बरबरी। भोले मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव अकेले हैं, कमजोर होंगे। बोली जा, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा, हमने भी तुझको सांवरे। और दूसरा वचन, कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा, पर बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा शाह होली ले घोड़े असवार, खाटू बड़ो सा
युद्ध किया, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है, ये बालक लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे। बोलिए तीन बाणधारी की। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बरबरी कहां जाते हो, बरबरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बरबरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद हुआ करते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल करते हैं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है मेरे पास, महायोद्धा है उस युद्ध में, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, अर्जुन है, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास। बरबरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो आपको तीन बाण नजर आ रहे हैं, जिसे आप महाभारत का महायुद्ध कह रहे हैं, आज्ञा दीजिए एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा, आज्ञा दीजिए। प्रेमियों मेरा शोध चल रहा है, मैं इस पे बाल की खाल निकाले बगैर बात नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहब में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में दशम ग्रंथ की चर्चा मेरे पास आई है कि उसमें भी बरबरीक की चर्चा है, और उसमें क्या चर्चा है वो हमें भी नहीं पता थी। उसमें लिखा गया है गुरुजी कि एक योद्धा ऐसा दा होया जेड़ा कहिंदा सी मैं माड़े पासे हो लड़ांगा, माड़े पासे हारे का सहारा, तरकश तीन बाण सीगे। महाराज ने पूछा एक कम कितना कर देने, बरबरीक ने कहा कि मेरे तरकश में जो तीन बाण है उसमें एक बाण छोड़ूंगा किसी का नाम लेकर, जिसका नाम लेकर छोड़ूंगा उसका पचासवां रिश्तेदार भी अगर घर में बैठा रोटी खा रहा होगा वो वही मर जाएगा, रण में तो मरेगा ही मरेगा, अगर घर में भी बैठा होगा पचासवां रिश्तेदार तो वहां भी मर जाएगा। भगवान कृष्ण को पता था अगर इसने कौरवों की तरह बाण छोड़ा तो पांडव भी रिश्तेदार है, कौरव भी मर जाएंगे और पांडव भी मर जाएंगे, युद्ध का कुछ मूल्य नहीं होगा। बोले बरबरीक बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ भाई साहब। ओ भाई साहब गुरुजी मैं क्या गा रहा हूं, मैं क्या गा रहा हूं, मैं क्या गा रहा हूं मालूम आपको, क्या गा रहा हूं, श्याम बाबा की कथा। जरूरी है कि नहीं है, आपके कारण इतने लोग परेशान हुए कि नहीं हुए, इधर आओ तसल्ली से बैठो, यहां बैठ जाओ। और मुझे चश्मे वाले वैसे बड़े पसंद हैं, क्यों मैं दो देखता हूं ये चार देखते हैं, मेरे से ज्यादा प्रेमी है साहब ये। तसल्ली से सुनो, कीर्तन में जाओ, देखो मेरे से ज्यादा कोई नचा नहीं सकता, ये मानते हो ना, लेकिन जब बात सुनने की है तो उसको तसल्ली से सुनो। भोजन ठंडा हो जाएगा तब क्या अच्छा लगेगा, भोजन तो गर्म ही अच्छा लगता है, ऐसा बात अच्छी चल रही है तसल्ली से सुनो। बरबरीक से पूछा तेरे पास शक्ति कौन सी है, बरबरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो तीन बाण है एक बाण योद्धा को देखता है, दूसरा खत्म कर देता है, बोला तीसरा, बोला तीसरे की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी सर। बोलिए तीन बाणधारी की। मतलब एक बार जाओगे अपना चेहरा उनको दिखाओगे, दूसरी बार जाओगे झोलियां भर कर आ जाओगे, तीसरी बार किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, समझ लो। बोले साबित कर कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था,
पर मरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत नहीं निकलते साहब, आज भी 5000 साल बाद भी। और एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। पर बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, जब ये यहां ढूंढ सकता है तो युद्ध में भी सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले, प्रभु मैं अब मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको अब छलिया है। बरबरीक इस बात से अनजान है कि सामने मोर मुकुट बंसी वाला है, यही बताए कि ब्राह्मण खड़े हैं। अब ब्राह्मण छलिया किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, ये किसी का नहीं हुआ। बोले एक ऐसा वचन दे दिया हारे का सहारा, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। पर बरीक बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण के मुख से आवाज आई, हे बरबरी, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। बरबरीक ने पूछा, प्रभु ये 3 महाबली कौन है? ब्राह्मण देवता बोले, पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे बरबरीक तुम। अर्जुन और कन्हैया, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। ये नहीं कहा था तुझे भगवान बना दूंगा, ध्यान रखना, ये नहीं कहा था तुझे भगवान बना दूंगा, सिर्फ बलिदान चाहिए। सनातन धर्म में एक अकेले खाटू श्याम जी हैं जिन्होंने बलिदान दिया और अब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बलिदान करण ने भी दिया लेकिन भगवान की तरह पूजा नहीं किया, मात्र बरबरीक है। बरबरीक ने बात सुनी कि दान चाहिए शीश का, आवाज लगा दी, हे ब्राह्मण देव, लो निकाली तलवार, ये मौरवी का लाल वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने महाभारत के युद्ध में पहली बार झोली पसारी और अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्णा कृष्णा शीश का दान मुरली वाले दे, शीश का दान मुरली वाले दे, निकाली तलवार दे दिया शीश उतार का तू वाले दे, कन्हैया ने पूछा, कोई इच्छा है क्या तुम्हारी? बरबरीक बोले, मैं इन नौजवानों की तरह युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिला दिया कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक तू देखेगा, ध्यान देना, अभी तक अमर नहीं किया है ना, यह बताया गया है तुझे भगवान बना दूंगा,
निस्वार्थ सेवा हो रही है, निस्वार्थ। ऊंची चोटी पर शीश को रखा गया, अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो उसने किया। पांडवों को मन में अभिमान हो गया कि युद्ध हमने जिताया है। खुद लड़ना, जीत जाना और अपने मुंह से खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं होता। खुद खाटू जाना 22 साल की उम्र में, 3 महीने बाद अपनी फोटो लगा के नीचे श्याम सेवक लिख देना श्याम प्रेमी नहीं होता। श्याम प्रेमी नहीं होता, और श्याम प्रेमी को लिखने की जरूरत नहीं होती मैं श्याम प्रेमी हूं। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, मन में अभिमान था आया युद्ध हमने है जिताया, लेकिन निर्णय कौन करे। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चलो पांडव जा रहे कन्हैया के पास, पर बड़े बाबा श्याम बनने जा रहे मुरली वाले के पास। ये कन्हैया बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। देखो जो सवाल कन्हैया से करे गए, जो सवाल भगवान से करे गए, वही सवाल बरबरीक से करे गए। बताओ कन्हैया तुमने युद्ध में क्या देखा। कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा। बोले कन्हैया बता दो नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे स्पर्धा के चक्कर में। तब कन्हैया बोले एक है जो इस बात का जवाब दे सकता है, और तुम्हारे लिए झोली पसारी थी, अब तुम भी पसार लो और मैं भी पसारता हूं। दोनों हाथ उठाकर चलो चले उस शीश के पास, चलो चले शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। किस किस को यहां तक बात समझ आई, ताली बजे जरा। ये हजारों भक्तों की भीड़ रात को 2 बजे इस बात का सबूत है कि रोहतक में शाम के दीवाने रहते हैं। बरबरी के पास पहुंचे, हाँ बताओ बरबरी, ताली बजाते रहना और सुनते रहना, दुगना फायदा मिलेगा। हाथ पवित्र होंगे, दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाएगी, और कानों से जब बातें अंदर जाएंगी तो अंदर भी अंदर का मैल खत्म हो जाएगा। बताओ बरबरी युद्ध में क्या देखा। बरबरी बोले प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र छत्ता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों अब ध्यान देना, अभी तक सिर्फ बलिदानी थे, महादानी थे, भगवान नहीं थे। बात सुनते ही कन्हैया बोले हे बरबरी, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था, जाओ तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं और तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलिए खाटू नरेश की। कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं
तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगे। जो तूने अपनी मां को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनेगा, उस वचन को वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी। बोलिए, हारे के सहारे की। तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे दरबार में 24 घंटे में जब मर्जी भगत आ जाए, मांग कर आएगा, मांगने आएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। जा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तेरी घर घर में पूजा बढ़ती जाएगी। आज अगर करोड़ों हैं तो अरब भी होंगे, ये वरदान है। कभी हजार थे, कभी लाख थे, आज करोड़ों हैं। आप खुद गौर कीजिए, सन 2000 से पहले आप खाटू जाते थे क्या? सच बताना, 2000 के बाद कौन कौन गया खाटू? 100%। ये बाबा का वरदान है जो आपको बुला रहा है। अपने बच्चों को कह के जाना, अगर बुजुर्ग हो गए हो तो, कि बेटा जो पड़ोसी कहता है ना, खाटू नहीं जाऊंगा, एक दिन इसको भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि वरदान ही ऐसा है, जाना पड़ेगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया, वरदान दिया। हाँ, जैसे ये पीछे चमक रहे हैं, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूरज की पहली किरण, कलयुग प्रारंभ होते ही सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। आसाम जहां सूरज सबसे पहले उगता है, वो श्याम बाबा का ननिहाल है। आसाम मौरवी राजा मूर की बेटी, राजा मूर भगवान श्री कृष्ण के हाथों बैकुंठ लोक पधारे। मौरवी को लगा कि मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है, मौरवी चली गई। मौरवी भी, माता मौरवी भी कामाख्या माई की बच्ची थी, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगतम मातृ योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या, ओ क्लिंग क्लिंग कामाख्या, क्लिंग क्लिंग नमः। अजय थी, कोई हरा नहीं सकता था मौरवी को। मौरवी ने युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण से, और जब भगवान को विविश होकर सुदर्शन चक्र लेना पड़ा, तब कामाख्या माई पधारी, बोली मौरवी ध्यान दो, ये नर के रूप में नारायण है। और नारायण से बोली मां कामाख्या की, प्रभु ये मेरी बेटी है, इसको मैंने अजय का वरदान दिया है, अगर आप इसकी मृत्यु कर दोगे तो मेरा वरदान विफल हो जाएगा, इसको क्षमा करो। मौरवी ने क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जा मौरवी, तेरे एक ऐसा पुत्र रतन होगा जो मेरे नाम से पूजा जाएगा। यह आसाम मां कामाख्या बाबा श्याम का ननिहाल है, इसीलिए सूर्य की किरणें आरती उतारे, आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, रहेंगे
छोड़ेंगे ना हम ओ बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे। कौन कौन नहीं छोड़ेंगे, दोनों हाथ उठाकर, छोड़ेंगे ना हम तेरा दार ओ बाबा, मरते दम छोड़ेंगे ना हम तेरा दार ओ बाबा, मरते दम ना गोरे का ना काले का, गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का, देखिए मुरली वाले का। मैं हमारे हिंदू धर्म के लिए मैंने एक भजन लिखा है, परसों लिखा है, कल राजस्थान में सुनाकर आया हूं, अगर सुनना चाहते हो तो एक बार जरा ताली बजाओ हिंदू धर्म के लिए। लेकिन सुनिएगा प्रेम से, आनंद लीजिए बैठे बैठे भजन का, खड़े मत होइएगा। ना गोरे का ना काले का, गोरे का ना काले का, अंजाम मुरली भले का, अंजाम मुरली भले का, मैं लाडला श्याम मुरली वाले का, श्याम मुरली वाले का, मैं लाडला, मैं लाडला बाटू वाले का। अब रोते की रहते हैं, जरा ताली बजा, देखो इतना प्यारा उपहार लाया भाई, दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजा के मिलके, एक दो तीन चार। बहुत सारे भजन आ रहे हैं, मैं क्या क्या सुनाऊं साहब, सुनो जरा। कर देता जो काम मेरा वो भर देगा भंडार तेरा, कर देता जो काम मेरा वो भर देगा भंडार तेरा, कर देता जो काम मेरा वो भर देगा भंडार तेरा, कर देता जो काम मेरा वो भर देगा भंडार मेरा। रुत काड़ो, कोई पूछे ना खाटू क्यों कौन रहता है, खाटू के गांव में बैठा से यार, खाटू के गांव में बैठा से यार बरा, खाटू के गांव में बैठा से यार बरा, खाटू के गांव में। कर देता जो काम मेरा वो भर देगा भंडार तेरा, कर देता जो काम मेरा वो भर देगा भंडार तेरा। अरे बावड़े के बात करे, खाटू के गांव में बैठा से यार मेरा, खाटू के गांव में बैठा से यार मेरा, ओए खाटू के गांव में बैठा से यार मेरा, ओए खाटू के गांव में बैठा से यार मेरा, खाटू के गांव में बैठा से यार मेरा। बोलिए खाटू नरेश की।